हमने फेसबुक प्रोफाइल तो बहुत पहले का बनाया हुआ है, लेकिन पहले इतने सारे पोस्ट डाले हैं जो फेसबुक के पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। बहुत लोग के पेज या प्रोफाइल में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो तो सोचते हैं कि मैंने कंटेंट तो सही डाला, लेकिन ऐसा क्या चीज़ हुआ है जो मेरे प्रोफाइल या पेज में रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है? तो आप कैसे जान सकते हैं कि कहाँ पे मैंने क्या गलती किया है? वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपने जो फेसबुक को खोल लेना, ऊपर जो आपका प्रोफाइल वाला सेक्शन है उस पर टैप करके इस स्क्रीन पे आ जाना है। आप नीचे जाइएगा, यहाँ पे लिखा है हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सपोर्ट इनबॉक्स मिल जाएगा। आपने जो भी गलती किया है यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए अभी योर अलर्ट्स 15 है, यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती किया हुआ, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे मैं कि इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे देख सकता हूँ कि मैंने ये क्या गलती किया है। यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया था, जबकि फेसबुक कहता है कि आप यहाँ पे कोई भी लिंक किसी को प्रमोट नहीं कर सकते, कोई लिंक आप नहीं डाल सकते, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर इसके थोड़ा बैक करूँ तो यहाँ पे रिपोर्ट एंड ऑर्डर्स है, तो इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है मेरे पेज को लेके। और ये चीज़ें अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, तो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू ए प्रॉब्लम, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नया पेज खुल के आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये नया पेज खुलेगा तो आपको कुछ यहाँ पे अप्लीकेशन वगैरह या अपील वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये खुल के आ गया है, यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड ए रिपोर्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल या वीडियोज में कुछ भी जिसमें आया है तो उसमें जाके आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस में रिस्ट्रिक्शन है। जैसे अगर आपका वीडियो में रिस्ट्रिक्शन है या आपने कुछ ये प्रोफाइल में किया है, जैसे जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह आता है तो वो प्रोफाइल वगैरह में आता है, तो मैं प्रोफाइल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है, स्क्रीनशॉट उसका डालना है जहाँ पे आपको जो मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद जो आपको मिलेगा वहाँ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से इसको लिखना है। तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ अपडेट करते रहेंगे।